नमस्कार दोस्तों, अनपुन नर्सरी चैनल पर मैं इकताब का स्वागत करती हूं। आज मैं बनाने जा रही हूं बच्चों का फेवरेट मैगी समोसा। फ्रेंड्स, आपने समोसे तो बहुत खाए होंगे, पर ऐसा चटपटा समोसा आपने कभी नहीं खाया होगा। जो समोसा बच्चों और बड़ों को सभी को काफ़ी पसंद आने वाला है, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, कोई गेस्ट आए जब झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। चलिए तो फिर हम चटपटा सा मैगी समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैगी बनाएंगे। मैगी बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई के अंदर डाल देंगे हम एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब हम गैस को ऑन कर देंगे। और तेल को हम गरम होने देंगे। जब तेल गरम हो जाएगा, हम इसके अंदर डाल देंगे दो प्याज और एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मैगी हमें थोड़ी चटपटी सी बनानी है और इसे हम चलाते हुए भून लेंगे एकदम मीडियम फ्लेम पर। आप देख सकते हैं प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे मटर के दाने। मैंने फ्रोजन मटर का यूज़ किया है, आप फ्रेश मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये 4 चम्मच के करीब है। और मटर को भी हम चलाते हुए प्याज के साथ भून लेंगे। देखिए फ्रेंड, मटर और प्याज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर 2 पिंच के करीब, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, नमक डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार, जीरा पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच डाल देंगे हम लाल मिर्ची का पाउडर। और इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसके अंदर गरम मसाला भी डाल सकते हैं अगर आपके पास गरम मसाला है तो। और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हम भून लेंगे। देखिए मसाले जो हैं बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1.5 गिलास पानी और अच्छे से मिक्स करते हुए हम पानी के उबाल आने देंगे। गैस का फ्लेम आप हाई कर सकते हैं पानी के जल्दी उबाल आने के लिए। देखिए पानी के उबाल आ गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे टेस्ट मेकर। मैगी के अंदर जो टेस्ट मेकर आते हैं वो डाल देंगे। मैं 3 बंच यूज़ करूंगी तो मैंने 3 ही टेस्ट मेकर लिए हैं। और अब हम ये बंच जो है पानी के अंदर डाल देंगे, उबलते हुए पानी के अंदर थोड़ा तोड़कर डाल देंगे ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसे गर्म पानी में हम अच्छे से डिप कर देंगे। जो पानी उबल रहा है उसके अंदर अच्छे से डिप कर देंगे ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। देखिए फ्रेंड, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे क्योंकि ये थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। और मैगी का पानी सूखने तक हम इसे पकाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी समोसे बनते हैं फ्रेंड, आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। आप एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे, इतने टेस्टी ये समोसे बनते हैं। और अब हम इसके अंदर एक उबला हुआ आलू डाल देंगे। मैंने बड़े साइज़ का एक उबला हुआ आलू लिया है। आप देख सकते हैं मैगी का पानी जो है वो हल्का सा सूख गया है। और इसे अभी अब हम और पका लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं हमारी मैगी का पानी जो है वो सूख गया है। बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। मैगी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस मैगी को हम ठंडा होने देंगे। अब हम समोसे के लिए मैदा लगा लेते हैं। एक बड़ा बाउल लेंगे, उसके अंदर हम डाल देंगे 1.5 कप मैदा। मैदे को मैंने बहुत ही अच्छे से छान लिया है। मेजरिंग कप से मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच डाल देंगे अजवाइन। अजवाइन को हम थोड़ा सा हाथ से क्रश करते हुए डाल देंगे। हाथ से क्रश करने से फ्रेंड इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1/4 कप घी।
मैंने वनस्पति घी लिया है, आप देसी घी भी ले सकते हैं। और घी को भी हम मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड जब भी आप मोयन डालें तो घी का ही डालें। घी का मोयन समोसों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। समोसों के ऊपर जो बबल्स आते हैं वो भी नहीं आते हैं और समोसे जो है वो खस्ता बनते हैं। और स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक रख सकते हैं। सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैदे को हम बांध के देख लेंगे। अगर अच्छे से बंध रहा है तो हमारा मोयन सही है, अगर नहीं बंध रहा है तो आप 1 से 2 चम्मच घी या तेल आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो डाल सकते हैं। अगर आप समोसे बनाएं तो फ्रेंड घी ही डालें, घी से बहुत ही खस्ता और टेस्टी समोसे बनते हैं और जो समोसे के ऊपर बबल्स आते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आते हैं और एकदम बाजार जैसा समोसा बनकर तैयार होता है। और मैदे को हमें थोड़ा टाइट लगाना है, सॉफ्ट नहीं लगाना है। अगर आपको बाजार जैसे समोसे बनाने हैं तो मैदे को हम एकदम टाइट लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालें, एक साथ पानी ना डालें, नहीं तो डो जो है पतला हो जाएगा, फिर समोसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। देखिए मैंने मैदा लगा लिया है और अब हम थोड़ा सा हाथ में तेल लेंगे और इसे अच्छे से मसल लेंगे। फ्रेंड इसे अच्छे से मसलने के बाद हम इसे कम से कम 5 मिनट तक रेस्ट देना है। तो मैंने इसे मसल लिया है, अब हम 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद हम इसे वापस से मसलेंगे और इसके अंदर से हम लोइए तोड़ लेंगे। जितने बड़े छोटे समोसे आपको बनाने हैं उस हिसाब से आप इसके अंदर से लोइए तोड़ सकते हैं। और सभी लोइए हम इसी तरह तोड़ लेंगे। देखिए मैंने लोइए तोड़ ली हैं, अब हम इसमें से एक लोई ले लेंगे और हाथ से अच्छे से मसल लेंगे और चकले के साथ ऊपर रखकर हम इसे रोटी जितना बेल लेंगे। थोड़ा सा ऑयल या घी आप कुछ भी लगा सकते हैं और इसे बेल लेंगे। देखिए मैंने रोटी जीता इसे बेल लिया है और अब हम इसे बीच में से कट कर लेंगे। और एक हिस्सा उठा लेंगे और इसके ऊपर हम पानी लगा लेंगे। मैंने कटोरी में पानी ले रखा है, ऐसे पानी लगा लेंगे और इसे इस तरह कोन की तरह बना लेंगे। पानी लगाने से इसके जो साइड है वो खुलते नहीं है। पानी अच्छे से लगाएं और दबा के अच्छे से इसे बंद करें ताकि फ्राई करते वक्त खुले नहीं। अब हम इसके अंदर हमारी तैयार की हुई मैगी डाल देंगे। मैगी आप अच्छे से डालें। देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से समोसे को भर लिया है और अब हम इसके साइड में पानी लगा लेंगे और इसे बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से पानी लगाकर बंद कर देना है। हमारा एक समोसा बिल्कुल तैयार हो गया है और इसी तरह हम दूसरा समोसा तैयार करेंगे। अगर ये साइज छोटी हो जाती है तो फ्रेंड आप इसे बेल सकते हैं थोड़ा सा बेलने से। और वापस से हम पानी लगाएंगे और कोन बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है हलवाई स्टाइल समोसे बनाने का, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। फ्रेंड मैगी की जगह आप इसके अंदर आलू की स्टफिंग भी भर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और मैगी जो है बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो बच्चों को तो मैगी समोसा बहुत ही पसंद आने वाला है। आप एक बार बनाएंगे तो बच्चे आपसे बार बार बनवा कर खाएंगे, ये इतने टेस्टी समोसे बनते हैं। फ्रेंड ये समोसे तो बड़ों को भी काफ़ी पसंद आएंगे, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए ये समोसा भी तैयार हो गया, इसी तरह हम सभी समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड मैंने कुछ समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तेल मैंने गर्म करना रख दिया था, तेल हमें मीडियम सा गर्म चाहिए। देखिए डो डालते ही ऊपर आ गया है, गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसके अंदर हम एक एक करके समोसा डालेंगे। कढ़ाई में जितने समोसे आ जाए उतने ही डालें, ज्यादा समोसे ना डालें। समोसों को हम आधा ही फ्राई करेंगे, एक बार पूरा फ्राई नहीं करेंगे, गैस का फ्लेम लो रखेंगे। और मैंने एक बार में 6 समोसे डाले, जब ये हल्के से फ्राई हो जाएंगे हम इसे इस तरह से उलट पलट कर देंगे और इन पे हल्का सा कलर आएगा तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे।
देखिए फ्रेंड, इन पे बहुत ही हल्का सा कलर आ गया है, आप देख सकते हैं। और अब हम इनको निकाल लेंगे। और अब हम इन समोसों को 5 मिनट बाद फ्राई करेंगे। 5 मिनट बाद हम समोसों को वापस कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्रेंड, अब हम समोसों को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है, हाई नहीं रखना है, नहीं तो ये खस्ता नहीं बनेंगे। जब ये हल्के से फ्राई हो जाएंगे तब हम इन्हें उलट पलट करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बीच बीच में चलाते रहें। आप देख सकते हैं समोसों के ऊपर जो है बहुत ही अच्छा कलर आया है। लाइट की वजह से फ्रेंड आप देख नहीं पा रहे हैं, पर ये बहुत ही अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इनको मैं निकाल लूंगी और बचे हुए समोसे भी हम इसी तरह फ्राई करेंगी। देखिए फ्रेंड, हमारे मैगी के चटपटे से समोसे तैयार है खाने के लिए। मैंने इसे टमाटो सॉस के साथ सर्व किया है। आप मीठी चटनी, धनिया की चटनी जैसे चाहे खा सकते हैं। मैं आपको एक समोसा काट कर भी दिखाऊंगी कि ये कितना मठड़ी जैसा खस्ता समोसा हमारा बना है। देखिए फ्रेंड, एकदम मठड़ी जैसा बना है, बहुत ही टेस्टी है। आप देख सकते हैं कितनी सारी इसके अंदर मैगी है। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी काफ़ी पसंद आएगा। फ्रेंड्स, एक बार आप इस मैगी समोसे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका यह चटपटा सा मैगी समोसा कैसा बना। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएँ मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।